अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। तो आज है पोर्ट्रेट की क्लास। अगर आपको समझना है अच्छे से तो एक कोने में बैठ जाओ, पूरा जो ध्यान है वो यहाँ पे लगाओ और रैंडम नॉइज़ को, बाहर की नॉइज़ को, बाहर की आवाज़ को जो है वो स्किप करें, ठीक है। और सारा फोकस जो आप यहाँ पे लगाएं। आज मैं आपको बताऊँगा कि ईजी तरीके से सिर्फ और सिर्फ ज्योमेट्रिकल शेप से हम पोर्ट्रेट कैसे बना सकते हैं। जैसे कि हमने लुमिनस मेथड तो बहुत बनाया है, ठीक है, ये भी बना सकते हैं, लेकिन इसमें मैं सिर्फ और सिर्फ ये बताऊंगा कि ज्योमेट्रिकल शेप से हम ये पोर्ट्रेट कैसे बना सकते हैं। तो शेप सिर्फ ये नहीं होते, बहुत सारे होते हैं, ओवल भी होता है, ये भी होता है, ठीक है। तो अभी मुझे तस्वीर में क्या दिख रहा है, जैसे कि एक स्क्वायर दिख रहा है, तो स्क्वायर में बना रहा हूँ, ठीक है। पूरा फोकस जो है ना अपना जो है यहाँ पे रखना है। तो अभी जो है ना एक आइडिया, जैसे कि एक प्लान करके चल रहे हैं कि ये स्क्वायर हमारा आ गया और ये जो है ना हमारी मिडल लाइन यानी कि सेंटर की लाइन थोड़ी टेढ़ी है, देखें यहाँ पे पेंसिल लग के भी देखे हैं, ठीक है। तो ये थोड़ी टेढ़ी है लाइन, मिडल की लाइन यानी कि बीच की लाइन, और ये सब कुछ वही होगा हमारा आईब्रो लाइन, सब कुछ इसी में आएगा। अभी देखें क्या दिखाई दे रहा है मुझे, ट्रायंगल उल्टा करके क्या दिखाई दे रहा है, ट्रायंगल। आपको भी ट्रायंगल दिखाई दे रहा होगा, बहुत इजी है, बहुत इजी। अब सर्कल, समझ आ रहा है, ये अभी हम सिर्फ और सिर्फ लेआउट बना रहे हैं, ठीक है। और जब पोर्ट्रेट बनाना होगा तो हम दूसरे पेज पे बनाएंगे अच्छे से, लेकिन अभी जो है हम सिर्फ लेआउट से सीखेंगे, ठीक है। इस तरीके से ऐसे ही दिख रहा है आपको। अभी क्या है, इसके एयर ये लाइन आ गई, ठीक है। अब एयर, एयर के लिए भी हम स्क्वायर बनाएंगे। और क्या देखें, और ये कॉलर, ये भी आ गया ट्रायंगल में। ये भी आ गया ट्रायंगल में, ठीक है। और ये भी आ गया ट्रायंगल में। मुश्किल क्या है, क्या मुश्किल, कुछ मुश्किल है नहीं है, बहुत आसान है बहुत। बाकी आप देखिए अभी और देखें, ये आइस बना रहा हूँ मैं, इसकी आइस कैसे बनाऊंगा मैं, ये अभी मैं सिर्फ लेआउट बना रहा हूँ आपको समझाने के लिए, ठीक है। ये भी एक शेप है, आइस का भी एक शेप है। कौन सा शेप है, ऐसे करके ऐसे, ऐसे ऐसे करके ऐसे, समझ रहे हो, ये आइस का शेप से। आइस थोड़ी टेढ़ी है तो शेप को थोड़ा टेरा करते हैं, ऐसे रोटेट करते हैं, समझ रहे। अब नोज बनाना, नोज कैसे बनाएंगे हम, यहाँ पे आईब्रोज वगैरह बना दे, चल ठीक है। सिर्फ और सिर्फ लेआउट बना रहे हैं अभी हम, अभी सिर्फ प्लानिंग कर रहे हैं कि क्या पर कहाँ पर क्या आएगा, ठीक है। ये हो गया, सारा कुछ प्लानिंग के साथ करेंगे हम, कुछ नहीं इजी है। ये ना लाइनों का पीछा करें, लाइनों का, ये रे। चलो अभी हम एक और बनाते हैं, प्लेसमेंट समझ में आ गई। चलो अभी साफ पेपर पर इसको बनाते हैं, ठीक है। देखें किस तरह से मैं बनाऊंगा, उसी तरह से बनाऊंगा जो मैंने एक प्लान किया,
तो जिस तरह से हमने प्लान किया उसी तरह से हम बनाएंगे। जैसे कि यहाँ पे एक लाइन आ रही है, तो ये हमने लाइन लगाई, ठीक है। मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है, आसान है, आप भी बनाएं। देख रहे हो, जो मैंने प्लेसमेंट, जो मैंने प्लानिंग पहले की थी, वही मैं प्लानिंग यहाँ पे कर रहा हूँ। मुश्किल नहीं है, आसान है, बनाओ, ट्राई करो, प्रैक्टिस लाजमी करो। और जो पेंसिल को वो लाइट चलाओ, ठीक है। इस तरह से ठीक है। अभी जो है इसकी ये आईब्रोज वाली लाइन, ठीक है, ये आईब्रोज वाली लाइन, ईयर्स वाली, हेयर वाली लाइन, और यहाँ पे जो है हम नोज वाली लाइन, ठीक है। लाइट लाइन में पेंसिल चला रहा हूँ, और यहाँ पे जो है हमारा आएगा एयर, जो मैंने लाइन लगाई थी वहां वहीं पे मैं एंड कर रहा हूँ, ठीक है, एयर को। इस तरीके से, ठीक है ना। अभी जो है लाइनों में चलो, लाइनों का पीछा करो, आप लाइन्स का पीछा करो, लाइन्स में चलो, समझो। इस तरीके से पूरा ओवरऑल शेप जो इसका आ गया। अब क्या ऐड करना है, इसकी आईज, नोज और लिप्स ऐड करने, इसमें पूरा जो है ना वो ओवरऑल शेप जो है हमारे पास आ गया है, ठीक है ना। समझो, अब जो भी है वो इसके अंदर ही आएगा, ठीक है। स्टार्टिंग में थोड़ा टेढ़ा फेरा तो बनेगा ही, समझ रहे, लेकिन फिर आहिस्ते आहिस्ते ठीक भी तो होगा ना, वो भी तो आप देखें ना, आपकी ग्रोथ भी होगी। अभी जो है मैं आईब्रोज बना रहा हूँ, ठीक है। लाइट पेंसिल चलाएं, रेजर इतना यूज ना करें, ठीक है। अभी आईब्रोज बन गया, अभी आईब्रोज के साथ ही हम नोज बनाएंगे। नोज कैसे बनाएंगे, नोज का तरीका सिंपल ही है और आसान भी है। सर्कल, उसके सामने सर्कल छोटा, और यहाँ पे दाएं बाएं छोटे छोटे सर्कल बनाएंगे, ऐसे ऐसे ऐसे, बस नोज बन गया, यही था हमारा नोज। ये आईब्रोज आ गई इस तरीके से, इस तरीके से। थैंक यू, बहुत आसान है। ट्राई करने में क्या जाता है, प्रैक्टिस करेंगे मजीद आसान होता जाएगा आपके लिए, समझे। अभी जैसे कि आइस बनानी है,
ये बच्चे हैं बाहर जो ठक ठक कर रहे हैं, अगर आपको आवाज़ आ रही है तो प्लीज़ इग्नोर करें इसको। अब ये भी देखो आईब्रोज और आईज के दरमियान में कितना गैप है। कई बच्चे हैं ना आईब्रोज में चिपका देते हैं, वो कई बच्चे इतनी आईज को नीचे लेके आते हैं कि आईज लगती ही नहीं। इस तरीके से इतनी जो है वो दिक्कत भी नहीं आती। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से काफ़ी जो है वो आसान हो जाता है और मज़ा भी बहुत आता है कि ज्योमेट्रिकल शेप्स में जो है हमने जो बनाया देख रहे हैं ये कॉलर बन गई हमारी। ओके, उसके बाद जो है वो रफ जो लाइंस वगैरह हैं वो उसको रेस कर लो और अपने जो तस्वीर पर थोड़ा सा क्लीन कर लो ताकि जो एक्स्ट्रा जो लाइंस लगी हुई हो वो इतनी ना लगें। वो सिंपल सा अच्छा सा जो है आपका ड्राइंग जो है वो रेडी हो जाए। अभी जो इसके बाद जो शेडिंग्स वगैरह अगर हम करेंगे तो ये पूरा इसके तरह से दिखने लग जाएगा, देख रहे हो। लेकिन अभी शेडिंग का इतना टाइम नहीं है, काफ़ी वीडियो लंबी हो जाएगी। बस हम एक पर्टिकुलर अगर लाइन भी लगा देना, जैसे कि यहाँ तक जो हमारी ये शेडिंग है, ये हमारा डार्क
एरिया दिख रहा है, देख लो ना। बाकी इसमें ऐसे करके शेड कर लो, तुम्हारा जो पिक्चर्स है वो रेडी हो जाएगी, समझो। ये बियर पे शेड कर लो इसकी, जहाँ जहाँ डार्क एरिए दिख रहे हैं देख लो। इस तरीके से इसको अभी करते हैं साइड पर। अभी देखें, ये हमने प्लानिंग की तभी ये बना, ये जाके बना। अगर ये हम प्लानिंग ही ना करते तो ये बनता नहीं बनता। तो इस तरह से पहले प्लानिंग होती है कि मैं इसमें ये करूँगा, और उसके बाद जो है ना पहले लेआउट बनता है एक किस्म से। हम आउटडोर पेंटिंग करने जाते हैं तो एक लेआउट बनाते हैं, यहाँ पे ये आएगा, यहाँ पे फिर एक बड़ी सी शीट पे बनाते हैं, डायरेक्ट वो शीट ख़राब नहीं करते, समझे। इस तरह से देख रहे हो, दोनों को देखो, समझो, एक मिनट, दोनों को देखो। ये हमने प्लानिंग की तभी हमारा ये बना है। बाकी ऐसे मिलते रहेंगे आपके लिए, न्यू वीडियो लेके आते रहेंगे। बस आप अपना ख्याल करें, अपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़, फ़ियामल्ला, टाटा, बाय बाय।